किसी भी व्यक्ति की FIR सीधे तौर पर मान लीजिए पुलिस थाने में दर्ज नहीं हुई, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं फिर उस सिचुएशन में न्यायालय के समक्ष 156 TCRPC प्रार्थना पत्र देता है। न्यायालय प्रार्थना पत्र पर विचार करने के बाद पुलिस थाने से रिपोर्ट मंगाती है और मान लीजिए रिपोर्ट आने के बाद न्यायालय को यह लगता है कि इस मामले में अन्वेषण के लिए पर्याप्त आधार है और FIR दर्ज करके इस मामले में अन्वेषण होना चाहिए, तो संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह आदेशित करती है कि इस मामले में FIR दर्ज करके अन्वेषण शुरू करें एवं अन्य जो भी विधिक कार्यवाही है वो करें। लेकिन कभी कभी यह देखा गया है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो जानबूझ के फिर FIR न्यायालय के आदेश होने के बावजूद भी दर्ज करने में डिले करते हैं या कहीं ना कहीं दर्ज नहीं करना चाहते। तो दर्ज करने में डिले करना भी या आनाकानी करना भी कहीं ना कहीं न्यायालय का अवमान है, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है और इस पर उनके विरुद्ध कंटेंट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कंटेंट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई काफ़ी लंबी होती है और एक लंबी प्रक्रिया है। इसका अधिकार राज्यों में केवल उच्च न्यायालय के पास में है। आर्टिकल 215 अनुच्छेद 215 के अंतर्गत जो भी उच्च न्यायालय हैं उनके पास कंटेंट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का अधिकार है, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट है वो केवल उस मैटर को रेफर कर सकती है हाई कोर्ट को कंटेंट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए। तो ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अगर ये प्रक्रिया लंबी हो जाती है तो क्या ऐसे पुलिस अधिकारियों को या जो भी मान लीजिए न्यायालय का अवमान करते हैं उनको छोड़ देना चाहिए? तो फ्रेंड बिल्कुल नहीं। लेकिन इस संबंध में जो कार्रवाइयाँ हो सकती हैं वो केवल न्यायालय कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति के पास केवल न्यायालय में प्रतिवेदन यानी प्रार्थना पत्र देने के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार नहीं। न्यायालय मान लीजिए किसी मामले में आदेश करती है और उसका अनुपालन न होना कहीं ना कहीं न्यायिक अवमान है, तो कंटेंट ऑफ कोर्ट के अतिरिक्त अन्य क्या कोई प्रावधान है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी, एक आसान सा प्रावधान है, वो है पुलिस एक्ट में, पुलिस एक्ट 1861, पुलिस अधिनियम 1861 में धारा 7 में प्रावधान है। ये अलग बात है कि हर राज्य ने अपना अपना पुलिस एक्ट बना लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मूल अधिनियम है उसके प्रावधान सभी राज्यों में लागू होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने या जो भी स्पेशल कोर्ट का पीठासीन अधिकारी उसने यह आदेश किया कि FIR दर्ज की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी ने ऐसा नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी कोर्ट है वहाँ कहीं ना कहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों को ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए एक आदेश जारी कर सकते हैं कि ऐसे अधिकारियों ने जिन्होंने न्यायालय की आदेश का अनुपालन नहीं किया इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सेक्शन 7 ऑफ पुलिस एक्ट कहीं ना कहीं यह प्रावधान करती है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अनुशासनहीनता करता है या ऐसी कोई कार्य करता है, ऐसा कोई आचरण करता है जिससे कहीं ना कहीं उसके पद का दुरुपयोग होता है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उसकी बर्खास्तगी यानी डिसमिसल ऑफ सर्विस तक हो सकता है, वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, पदोच्चित किया जा सकता है, मतलब मूल जैसे मान लीजिए अगर वो इंस्पेक्टर हो गए हैं तो उन्हें सब-इंस्पेक्टर बनाया जा सकता है, उनको कहीं ना कहीं अन्य तरीके से भी दंडित किया जा सकता है, उनकी प्रमोशन रोके जा सकते हैं, इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर नहीं बनाया जाएगा, इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, वेतन जो मिल रहा था उससे कम किया जा सकता है, ऐसे दंड के प्रावधान हैं। कुछ स्टेट में ऑलरेडी जो रूल्स हैं वो बना लिए गए हैं कि अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को कैसे दंडित किया जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट में। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी ये ध्यान रखिए कि कंटेंट ऑफ कोर्ट के अलावा भी एक कार्रवाई ये है कि जो न्यायालय है वह उच्च अधिकारियों को आदेशित कर सकती है पुलिस के कि इस अधिकारी के विरुद्ध जिसने न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया है कार्रवाई की जाए, और अक्सर ऐसी कार्रवाइयाँ होती भी, और ये आसान तरीका है सबसे। तो फ्रेंड्स अगर आपके भी मामले में ऐसा कुछ होता है तो इस संबंध में आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि न्यायालय के आदेश का इस उच्च अधिकारी ने, इस पुलिस के अधिकारी ने अनुपालन नहीं किया और इसलिए इसके विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए। तो फ्रेंड्स जो भी मैंने बताया ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है और जेन्यून है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्यून लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अगर मान लीजिए उसको रिप्लाई कर सकूं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं वीडियो बना के आपको उस पर कहीं ना कहीं जो भी जानकारी होगी वो उपलब्ध कराऊँगा। थैंक यू।